तो चलिए अब बुलेटिन में बात कर लेते हैं मेट्रो एक्सप्रेस की। कर्नाटक के मैंगलोर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। और इधर आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली में एक गधे को भी शामिल किया है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर पेट्रोल, डीजल समेत रसोई गैस की कीमतों में कमी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इधर मुंबई में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक साइकिलों से विधानसभा पहुंचे। इधर भाजपा विधायक भी कांग्रेस के खिलाफ सामने आ गए। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस और भाजपा विधायक आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। लद्दाख सीमा पर तनाव के चलते चीन ने बीते साल 13 अक्टूबर को भारत के बिजली संयंत्रों पर साइबर अटैक करने की कोशिश की थी और इसी कड़ी में मुंबई के पावर ग्रिड को निशाना बनाया गया था। इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और बिजली आपूर्ति मंत्री नितिन राउत ने मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मुंबई और सटे इलाकों में अक्टूबर 2020 में कुछ घंटों के लिए बिजली गुल होने के मामले में चीन के साइबर अटैक की बात सामने आ रही है। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि रिकॉर्डेड फ्यूचर एनिमेशन कंपनी अमेरिका की है। बिजली विभाग ने भी गृह विभाग से जांच की मांग की थी और उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई के बिजली विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर में मालवेयर वायरस छोड़ अटैक करने की बात अमेरिकन रिपोर्ट्स में सामने आई है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स मध्ये बातमी आली आहे, त्याच्या पहिले काल एक रेकॉर्डेड फ्युचर नेटवर्क अनालिसिस कंपनी, ती जी कंपनी आहे अमेरिकेची, त्यांनी सुद्धा एक आपला रिपोर्ट जाहीर केला। त्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी शक्यता जी वर्तवली आहे त्यांच्या रिपोर्टमध्ये, रेकॉर्डेड फ्युचर नेटवर्क अनालिसिस कंपनी अमेरिका, त्यांनी तो जे फाइंडिंग आहे त्यांचं, त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की मुंबईमध्ये, मुंबईच्या इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जे मॉलवेअर मधल्या काळामध्ये इंट्रोड्यूस करण्याचा प्रयास त्या निमित्तानं झालेला आहे। महाराष्ट्र के पंढरपुर में एनसीपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है। महिलाओं का कहना था कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है, जो ठीक नहीं है। बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पीएम मोदी ने अच्छे दिन आने का वादा किया था, मगर अच्छे दिन तो नहीं आए, महंगाई के दिन जरूर देखने को मिल रहे हैं। और खबर हुबली से है, जहां पर मंत्री जगदीश शेट्टर ने लोगों को सलाह दी है कि बिना किसी डर के स्वप्रेरित होकर टीका लगवाना चाहिए। स्वयं टीका लगवाकर निकले मंत्री जगदीश शेट्टर ने कहा कि कोरोना लहर कम हो गई है, केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए कई लोक लुभावन योजनाएं अपनाई है। हमने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीती है, हर किसी को कोविड टीका लगवाना चाहिए। कोविड की दूसरी लहर महाराष्ट्र में शुरू हो गई है, इसलिए धारवाड़ जिले के सावधानी बरती जा रही है। ಹೆದರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದರದ್ದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತದ್ದು. ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 19545 ಜನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 19545, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ 7175, ಈ ರೀತಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರು ಯಾರೋ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नाका चेकिंग अभियान तेज हो गया है। चुनाव की घोषणा होते ही राज्यभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। हुगली जिले के ग्रामीण और चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सतर्कता तेज कर दी गई है।
राज्य के विभिन्न इलाकों में विभिन्न राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर भी उतारे जाने लगे हैं। हुगली नदी में विशेष निगरानी बोट की तैनाती की गई है। इसके अलावा जिले में हर छोर पर जांच अभियान शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक एंट्री प्वाइंट और दूसरे जिले से हुगली में प्रवेश के सारे स्थानों पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अपराधियों पर पुलिस की खास नजर है। इधर भारतीय जनता पार्टी की नेता पामेला गोस्वामी की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस ने भाजपा नेता राकेश सिंह को भी अब गिरफ्तार कर लिया था। इधर कोलकाता पुलिस ने मामले में राकेश के एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तार सूरज कुमार शाह को अलीपुर अदालत में पेश किया गया है। बता दें कि सूरज कुमार शाह पर आरोप है कि राकेश सिंह के कहने पर ही पामेला की गाड़ी में अमृत सिंह ने ड्रग्स प्लांट करने के बाद अमृत सिंह को भागने में मदद की थी। अदालत में पेशी के बाद बाहर निकले राकेश सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस साजिश के तहत उनके नौकर को यहां लाकर एक नई कहानी गढ़ने का काम कर रही है। तो यह पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के तहत आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इधर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त सोमेन से मुलाकात की है और वरिष्ठ अधिकारियों पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। विधायक सव्ययाची दत्ता ने कहा है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी छोटे पुलिस कर्मियों से उनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड जमा करवा रहे हैं, जिससे उनके मत का इलेक्शन के समय गलत उपयोग किया जा सके। To the office of the Kolkata police to meet the Kolkata police commissioner, Sri Shomin Mitra. The main reason for our meeting him was a serious allegation which we are making of an organized effort being made by a section of police officers in Kolkata to ensure that they take away the ballot papers of police serving policemen and civic volunteers and vote on their behalf. Maniya Kolkata police ke nagarpal police commissioner ke paas hum log BJP ka pratinidhi dal aaya tha. Hamara jo abhiyog tha wo ki abhi tak to hum Bengal mein sunte the ki vote ka loot hota hai. Ab hamare sanyan mein pehle baar aaya hai ki police karmiyon ka vote loot hone ka पूरा पूरा एक खाका बन गया है। कर्नाटक के कोलार कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बसवराज उलागड्डी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और पेट्रोल डीजल समेत गैस के दामों को बढ़ाने का आरोप लगाया है। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 14 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया है। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा है कि केंद्र सरकार को अहंकार हो गया है और इसी के चलते लोगों से जबरन वसूली कर रही है, इसे कम करना चाहिए। ಸುಮಾರು 150 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಏನು ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 425 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50% ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು बात कोलार की होगी, जहां पर केपीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार ने मुलबागई तालुक में कुरुमदले विधायक मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन किए, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने बाबा हैदर की प्रसिद्ध दरगाह का भी दौरा किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीके शिव कुमार का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सीएम के लिए कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ಎಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ 2-3 ಬಾರಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈ ಗಣೇಶನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೆಎಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ येरगट्टी तालुक में पहला कन्नड साहित्य सम्मेलन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य अजीत कुमार देसाई शामिल हुए। आनंद चाम इस कार्यक्रम में सम्मेलन अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर एक रैली निकाली गई। रैली में हजारों की संख्या में कन्नड प्रेमी शामिल हुए। असन सोल ट्रैफिक कॉलोनी मोड़ के पास जीटी रोड पर देर रात एक सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। दूसरे युवक की गंभीर रूप से उसे घायल हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा मचाया और सड़क जाम कर दी। लोगों ने दक्षिण थाने के सामने रखी मोटरसाइकिलों और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की। लोगों ने आरोप लगाया है कि ट्रकों से पैसे की उगाही करने के कारण दुर्घटना हुई। घटना के बाद पूरे इलाके में काफी तनावपूर्ण माहौल है। एक बड़ा गाड़ी मारता, एक बात होता है, पुलिस गाड़ी से एक कोई मारुति का या स्कॉर्पियो गाड़ी से माथा फट जाएगा, स्पॉट हो जाएगा। कोई इंश्योरेंस गाड़ी का है, लीगल एक्शन होगा, नहीं होगा कल होकर और खराब। बॉडी तो घर ही पे है ना, बॉडी जो भी है। और एक और लड़का उसके साथ हुआ, उसको भी रेफर कर दिया गया। अभी उस एक और लड़का उसको रेफर कर दिया, उसका बारे कुछ नहीं है। अगर उस लड़का का भी हो जाएगा तो उसका बीमार कौन लेगा? जो गाड़ी है उसका इंश्योरेंस है, पेपर आप शो कीजिए। एक भी गाड़ी का अगर इंश्योरेंस शो कर दिएगा मान जाएंगे। पहले जो एक्सीडेंट किया उसको तो पहले अरेस्ट किया जाए, उसके बाद तो होगी ना फैसला कि कौन शीशा तोड़ा क्या किया है। जो मर गया उसका कौन देगा? वो मर गया उसको कौन देगा? वो जिंदा कर देगा? नहीं ना करेगा। पहले उसको अरेस्ट करके फांसी दिया जाए। ये पब्लिक का मतलब पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। अभी अगर पब्लिक के साथ होता तो ये पब्लिक को छोड़ते तुरंत मार के हाथ गोड़ तोड़ के बैन कर देते। कोपल जिले के कनकगिरी तालुका के गौरीपुर सरकारी अस्पताल के बाहर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया है और इसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल किया गया है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने अस्पताल कर्मचारियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है और अस्पताल में किसी भी डॉक्टर के नहीं होने का भी आरोप लगाया है। हालांकि जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया है वो कौन है अभी इसका कोई पता नहीं चल सका है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। और बात यादगिरी की होगी, जहां पर सुरपुर तालुका में तहसीलदार कार्यालय में लोगों को भीड़ उमड़ रही है लोगों की, तो वहीं तहसीलदार कार्यालय में राशन कार्ड लेने लोग पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि राशन कार्ड के लिए 3 से 4 घंटे तक लाइन में इंतजार करना पड़ता है और उनके राशन कार्ड अपडेट नहीं किए जा रहे हैं। जिन लोगों के राशन कार्ड अपडेट है उन्हें पूरा राशन दिया जा रहा है। ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ ಬಾ ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಡ್ದು ಬಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಡ ರೈತರು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹುಡುಗರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು ಇನ್ನು ಹೊಸ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಂದಿರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಯ್ತು. यादगिरी जिले में सुरपुर तालुक के कोड़ेखेल गांव में भालू के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि वे रात में घर से निकलने से डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि खाने की तलाश में भालू खेतों तक आ रहे हैं। लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने के लिए गुहार लगाई है। उधर विजयपुर के तिकुटा तालुका में रत्नापुर में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है और बड़ी संख्या में गांजे के पौधे जब्त किए हैं। आरोपी ने अपने खेत में गांजे के पौधे उगाए थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने 5,30,000 रुपए का गांजा जब्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। सोलापुर जिले के पंडरपुर में शिवसेना ने अपने नए पदाधिकारियों की घोषणा की है। रवि मूले को शहर अध्यक्ष बनाया गया है। कार्य अध्यक्ष पद के लिए अनिल कसबे को चुना गया है और इसी तरह शहर संगठन प्रभारी पद पर गणेश घोड़के और कैलाश लोकरे को चुना गया है। पक्ष प्रमुख श्री माननीय उद्धव जी ठाकरे आदेश शिरसावंत मानून पंडरपुर शिवसेनेचे कार्य
विचार घराघरात पोहोचवून शिवसेना पक्षवाढीसाठी प्रयत्न करणार। पंढरपुर में अंगारक संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर श्री विठ्ठल रुक्मणी के मंदिर में दुर्वा और अष्ट विनायक की मूर्ति को फूलों से सजाया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक से बड़ी संख्या में लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। अष्ट विनायक महाराष्ट्र के एकमात्र आराध्य देवता है। राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मंदिर में अलग अलग फूलों से सजाया जाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।